मैंने कमेंट्स पढ़े, मुझे दुख हुआ। तो मैं निर्मल सर से, कुमार गौरव सर से, और भी बड़े बड़े नामी धामी और मिलियन में पहुंचे कोचिंग वालों सर से मैं निवेदन और एक अपील करना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह है नहीं, आप पर कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, मैं खुद आपका सम्मान करता हूं। लेकिन आज हमें इन बच्चों के समर्थन में बात करनी जरूरी है, जिन विद्यार्थियों के कारण हम लोग अपना अस्तित्व लेकर खड़े हैं या बैठे हैं, उनके लिए हम नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे। तो मेरी पुनः आपसे अपील है, थोड़ा सा एक्शन लीजिए, आप भी आगे आइए, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या अभी जो ये हुआ है ऐसा एग्जाम के अंदर हुआ है? सर आप मुझे एक ही बात का जवाब दे दो, यदि मेरा इसमें कसूर है, मेरा दोष है, तो मुझे इस बात का जवाब दो जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम में हुआ, क्या आपका यह कहना कि सही हुआ है? यदि सही नहीं हुआ है तो आप खुल के सामने आइए सर, जरूरी है। मुझे दुख होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले इंसान और उनके ऊपर इस प्रकार के कमेंट्स, गलत बात है ये। मुझे पढ़ते हुए भी शर्म आई कुछ कमेंट्स तो ऐसे, और मैंने डिलीट किए कुछ कमेंट्स तो यार इतने, मतलब माना कि कुछ लोग अपवाद होते हैं, नॉनसेंस होते हैं, बोलना नहीं आता होगा, लेकिन इतना थोड़ी होता है सर। आपसे अपील है और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सर आप भी एक्शन लीजिए, क्योंकि आप जो एक्शन लोगे तो काफी अच्छा कार्य होगा। शिक्षा क्षेत्र में आपने किया है, आगे भी करोगे, लेकिन अब भी आपको विद्यार्थियों के हित में बोलना चाहिए। ये मेरा विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मैंने एक कमेंट देखा, तू है उन बड़ी कोचिंगों पर जो लाइव के रिकॉर्ड बनवाने के लिए बहुत जल्दी बोलते हैं, लाइक करो, शेयर करो, ये कर दो, 2000 पहुंचा दो, 1500 पहुंचा दो, और बस वो कर दो, ये कर दो, चलता है। मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं, मैं उन सभी को बोल रहा हूं जो इस प्रकार से करते हैं, आज चुप हैं। विद्यार्थी उनकी जरूरत है तो आज वो सब गायब हैं, गलत बात। वैकेंसी आ गई, एलडीसी की वैकेंसी आ गई, ग्राम सेवक की वैकेंसी आ गई, सिलेबस कराने सब आ गए। आओ आपका, आपकी जिम्मेदारी आइए, आपका कर्तव्य आइए, जानकारी देना। एंसवर की करवा रहे हो, अच्छी बात है, डिटेल से बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दोहरा ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये गलत बात है, आगे आइए, जरूरी है। इसके बाद उत्कर्ष वालों ने सभी बच्चों को तो शेरनी का दूध पिला रखा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे कमेंट है, क्या पढ़ूं मैं, गलत है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में, मैं क्योंकि टीचर्स जो होती है ना, टीचर्स खुद अपने आप में एक जात होती है, टीचर का कर्म होता है, और टीचर्स के बारे में जब कोई बोलता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। आज दुख हुआ, वो कोचिंग वाले जिनका मैं सम्मान करता हूं, वो लोग जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वाक्य में क्रांति लेकर आए हैं, वो मैं कुछ अढ़ाने के लिए या कुछ दिखावे की बात नहीं बोल रहा हूं, वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आए हैं, वो क्यों चुप है आज, रीजन।